जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख लिए और मैं अपनी हर वीडियो की स्टार्टिंग इसी ट्यूटोरियल से करता हूँ, मतलब जिस भी वीडियो का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ उसको पहले प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाई थी कल, मतलब आप ग्रीन स्क्रीन और काइन मास्टर से कैसे ये वीडियो बना सकते हो, GTA, मतलब GTA जो गेम है, कौन सा गेम है, GTA San Andreas। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आप विदाउट काइन मास्टर और विदाउट ग्रीन स्क्रीन के वीडियो बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्नैपचैट। 90% लोगों के मोबाइल में ये मिलता है और आप समझ गए होंगे क्यों डाउनलोड करते हैं लोग इसे। तो अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, अगर है तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो अब मैं इसका ट्यूटोरियल आपको देऊंगा कि आप कैसे इस वीडियो को बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कुर्सी रखी है, कुर्सी पर आप बैठ जाना या फिर आप मतलब खड़े होना, किसी बंदे को मोबाइल दे देना जिससे वो शूट कर ले। तो अभी सिंपली मैं स्नैपचैट को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप स्नैपचैट को ओपन करोगे तो आपके सामने आपका कैमरा खुल जाएगा और आपको जो नीचे ये राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है, मतलब फेसिंग का, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अपने मोबाइल कैमरे में आ जाना है। मोबाइल कैमरे में आने के बाद आपको जो ये नीचे ब्राउज के साइड में एक्सप्लोर का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब जिसको आप सर्च का भी बोल सकते हो, आपको इस पर सिंपली टैप कर लेना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे फिर आपको सर्च करना है ग्रूम स्ट्रीट। आपको स्पेलिंग बिल्कुल राइट लिखनी है, आप देख सकते हो मैं स्पेलिंग जो लिख रहा हूँ, ग्रूव स्ट्रीट, कुछ इस तरह से स्पेलिंग लिखनी है। और आप इसमें से कोई भी फिल्टर इफेक्ट यूज कर सकते हो, मैं सबसे पहले वाला करूँगा। और इसको एडजस्ट करना मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं सिंपली यहाँ पे मेरे सामने चेयर रखी हुई है, मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊँगा। जहाँ पे भी ये बंदे खड़े हैं इनको आप ड्रैग करके राइट साइड लेफ्ट साइड कर सकते हो और ऐसे करके इनको घुमा भी सकते हो। तो आप देख सकते हैं, मतलब चेयर पे मान लो कि कोई बंदा बैठा है और मान लो चेयर पे आप ही बैठे हो और ये आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो बस छोटा सा ट्यूटोरियल है इसका। तो आपको सिंपली करना है कि फ़ोटो पे एक बार, मतलब जो कैप्चर करने का बटन है इसको एक बार क्लिक नहीं करना, आपको इसे टैप करके रखना है ऐसे करके। जैसे ही आप इसे ऐसे टैप करके रखोगे तो आपकी वीडियो शूट हो जाएगी। अभी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए मेरी वीडियो शूट नहीं हो रही है। जैसे ही वीडियो शूट हो तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही वहाँ से आप सेव कर लोगे तो आपको स्नैपचैट को काट देना है। और स्नैपचैट को काटने के बाद अब इसमें आपको म्यूज़िक लगाना है। म्यूज़िक लगाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे काइनमास्टर पावर डायरेक्टर। काइनमास्टर पर आप जैसे जाओगे और इस वीडियो को वहाँ पे लोगे, इस वीडियो का साउंड आप ऑफ कर सकते हो स्नैपचैट से भी। अगर वहाँ से आप ऑफ करना भूल जाते हो तो वहाँ से काइनमास्टर में जाकर म्यूज़िक ऑफ करना है और सिंपली काइनमास्टर से यही वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। मतलब कोई भी GTA San Andreas गेम की जो वीडियो वो डाउनलोड कर लेनी है। उसको डाउनलोड करके आप जब लेयर में मीडिया में जाके वीडियो को लोगे तो उसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो हो जाएगा और वीडियो कर देना अपलेट, तो आपको ऑडियो वहाँ से मिल जाएगी, तो आपकी वीडियो हो जाएगी तैयार। उसके बाद आपको काइनमास्टर से जाके एक्सपोर्ट कर लेनी है वीडियो और फिर रील्स पे अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।